सर्कल कटर है, इससे हम कटिंग करेंगे। अगर आपके पास टूल्स रहेगा दोस्तों, हथियार रहेगा, तो आप घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम बताने वाले हैं कि फॉल सीलिंग में कैसे कटिंग किया जाता है, लाइट को कैसे फिटिंग किया जाता है। जैसा कि देखिए दोस्तों, 10 वाट का ये 3-in-1 है फॉल सीलिंग लाइट है। इसको पैनल लाइट भी बोल सकते हैं, इसको डाउन पैनल लाइट भी बोल सकते हैं। ये 10 वाट का है, तो इसको क्या है फॉल सीलिंग में इसको फिटिंग करेंगे। तो ये हमारा देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट निकला हुआ है, उसी तरह से एक यहाँ पर पॉइंट निकला हुआ है और एक यहाँ निकला हुआ है। मतलब एक लाइन में 3 पॉइंट निकला हुआ है, देखिए 1, 2, 3। उसी तरह से देखिए इधर भी 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट निकला हुआ है। तो तीनों में ये हमारा 10-10 वाट का पैनल लाइट इसमें लगेगा, 3 इधर लगेगा और 3 इधर लगेगा, ठीक है। उसके बाद 10 वाट का ये लाइट हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए और भी लाइट है, और भी सारा लाइट है देखिए, जिसमें से ये हमारा 4 वाट का ये लाइट है, ये कोब लाइट हो गया 4 वाट का, सूर्या कंपनी का है ये। और 12 वाट का भी लाइट है, ये 12 वाट का भी लाइट है देखिए दोस्तों। यानी कि 3 तरह का लाइट लगेगा, 12 वाट का लगेगा, 4 वाट का लगेगा, 10 वाट का भी लगेगा। यानी 3 लाइट लगेगा दोस्तों, सभी कलर कलर में है। 10 वाट का और 12 वाट का जो लाइट है वो 3-in-1 है, जिसमें से 3 कलर है। एक वार्म व्हाइट रहेगा, जैसे वार्म व्हाइट, और एक व्हाइट रहेगा, एक कूल व्हाइट रहेगा। तो सबसे पहले इसका जो चौड़ाई है इसको पहले माप लेते हैं, कितना इसका चौड़ाई है। तो देखिये ये हमारा है करीब 12.5 इंची है इसका चौड़ाई। तो 12.5 के आधा 6.25 होता है, तो यहां पर माप लेते हैं। ये हमारा बीच आ गया यहां पर, और उसी तरह से आगे वहां पर भी मापेंगे, वहां पर। उसके बाद फिर इधर भी माप लेंगे। देखिए दोस्तों, ये इसको भी ले लेते हैं, ये भी हमारा 12.5 है। तो 12.5 का आता 6.25 आता है। ये हमारा यहाँ इसका बीच हो गया और यहाँ इसका बीच हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लाइनिंग करेंगे इसको, सुत्ता से धागा से इसको। दोस्तों इस तरह से पूरा नील से धागा को धागा डाल लिए हैं, इस तरह मार्किंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा जो पॉइंट है, घीच थोड़ा और घीचो, यहाँ पर देखिए ये बीच ले लिए, इस तरह से धागा रख लिए हैं। हाँ घीच मत, देखिए ये हमारा इसमें मार्किंग हो गया, इस तरह हो गया। इस तरह से चलिए चारों तरफ कर लेंगे, इस तरह से हमारा जैसे कि चारों तरफ लाइट है, उधर भी 3 लाइट है, इधर भी 3 लाइट है, तो दोनों तरफ में मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें कटिंग करेंगे, इस लाइट को लगाएंगे, तो इससे हम कटिंग करेंगे फॉल सीलिंग को। देखिए ये हमारा जो ब्लेड लगा हुआ है, ड्रिल मशीन में लगा लिए हैं, ये होल साफ कटर ब्लेड है, ठीक है। तो इसको देखिए इस साइज में, जो हमारा इतना साइज है, इस तरह से माप सकते हैं, इसको हम माप लिए हैं, जितना ये साइज है उतना साइज का ये आपका लाइट है। इसके अनुसार कटिंग कर लेंगे इससे। अब इसको क्या करेंगे, जहां हमारा देखिए यहां पर इसका बीच सेंटर आता है, सेंटर में देखिए इसको रख लेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों पूरा एकदम होल कटिंग हो गया। देखिए इसका जो ये भाग जो कटिंग हुआ है इसमें, ये देखिए पूरा एकदम राउंड एकदम, ये हमारा वायर है देखिए, इसमें से ये वायर हमारा निकल गया। इसी तरह से चलिए आगे भी काटेंगे इस तरह से। अब बीच वाला को देखिए यहां पर काटिंग करेंगे।
तो इस तरह से पूरा हॉल कर लिए हैं दोस्तों। अब चलिए इस लाइट को लगा के दिखाते हैं। तो इसमें अभी अब वायर को हम कनेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें लगा के दिखा रहे हैं। तो वायर को क्या कर रहे हैं, इसको अंदर कर दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए इस ये हमारा दो वायर जो है से इसमें कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम कनेक्ट नहीं करते, सिर्फ इसमें फिटिंग करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसमें जो लॉक है, दो पीस इसमें लॉक लगा हुआ रहता है, तो इस तरह से इसको उठा लेना है। देखिए इस तरह से पुश कर देना है, ये हमारा फिट हो गया। पूरा आसान तरीका है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह से सभी लाइट को लगाएंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ भी है और टोटल 6 लाइट है, 6 लाइट को इसी तरह से लगाएंगे पूरा। अब चलिए दोस्तों इस रूम में लाइट लगाएंगे, तो उसके लिए चलिए इसमें कटिंग करते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा लाइट लगेगा, देखिए इसमें क्या है, टोटल 8 लाइट है। तो हमारा देखिए ये जो बॉर्डर है, इसमें बीचे बीच में एक लाइट है और उसके बीच में एक लाइट है, देखिए एक यहाँ बीच में है, उसके बाद फिर इसके बीच में है और फिर यहाँ पर है, 4 लाइट। और एक एक लाइट जो है इस कोना में है, देखिए एक लाइट यहाँ है और एक लाइट यहाँ पर है और एक लाइट यहाँ पर है दोस्तों, और एक लाइट यहाँ पर है। तो क्या है, सभी को यहाँ पर चिन्हा भी मार्किंग भी कर लिए हैं, जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट जो मिले रहेगा पेंसिल से डिस्टेंस बना के कर लिए हैं। अब इसमें हमारा टोटल 8 लाइट है, तो 8 लाइट में से 4 लाइट जो है 4 वाट का है और बाकी 4 लाइट है वो 12 वाट का है। तो ये दोनों हमारा देखिए, एक है कोब लाइट, 4 वाट का लाइट जो रहेगा, देखिए ये कोब लाइट है, देख सकते हैं इसका लाइट हम दिखा देते हैं। देखिए ये 4 वाट का कोब लाइट हो गया, ये हमारा 4 वाट का है, ठीक है। और ये हो गया 12 वाट का पैनल लाइट, ये 12 वाट का भी सैंपल में है, व्हाइट है, ये कलर में सिर्फ व्हाइट जलेगा लेकिन यहाँ पर 3-in-1 लगेगा। तो इसके साइज से सब ले लेंगे। तो ये 12 वाट का जो साइज है दोस्तों, ये 6 इंच का डिस्टेंस है इसका, इसका जो मापी लेंगे इसे सर्कल जो है, इसका जो कटिंग होगा हमारा फॉल्स सीलिंग में 6 इंच इसको काटना होगा। और ये देखिए दोस्तों, ये 2 इंची का है, ठीक है। तो इसके 6 इंची के लिए देखिए सर्कल कटर है, इससे हम कटिंग करेंगे। ये हमारा ड्रिल में लगा हुआ है, इसके ये मापी हम कर लिए हैं, इसका इसका डिस्टेंस 6 इंच है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको 4 इंची काटना है, 5 इंची काटना है, 3 इंची काटना है, तो इसके अनुसार आप कटिंग कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये हमारा जो 4 लाइट जो है 12 वाट का, वो हमारा इस कोना में लगेगा यहाँ पर, ठीक है, इस कोना में लगेगा। और 4 वाट बाकी 4 लाइट जो है 4 वाट का छोटा वाइट जो कोब लाइट है, हमारा इसमें लगेगा, बीचे बीच में लगेगा, ठीक है। ये जो पट्टा है, ये पट्टा के बीच में लगेगा और इसमें बीच में यहाँ पर देखिए पंखा है, और बाकी जो छज्जा टाइप का जो दिख रहा है आपको, उसमें हमारा स्ट्रिप लाइट लगेगा। तो अभी नहीं लगाएंगे, अभी सिर्फ कटिंग करेंगे, कटिंग करके लाइट को फिटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस छोटा लाइट को फिटिंग करने के लिए देखिए, ये होलसाफ कटर जो है ये 10 वाट का था, तो इसको हम निकाल दिए। अब इसके जगह में देखिए छोटा सा लगा दिए होलसाफ कटर, ठीक है। देखिए ये हमारा छोटा सा है, ये हमारा इससे कटिंग हमारा हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, ठीक है, ये लाइट हमारा। तो चलिए इससे पहले कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर बड़ा वाला 12 वाट को इसको इससे भी कटिंग करके दिखाते हैं। ये थोड़ा क्या है, रिक्सी है, अगर आपको 6 इंची में अगर ये साइज में आ जाए तो बहुत अच्छा है, बेटर है, लेकिन मेरे पास नहीं था 6 इंची में, लास्ट 5 इंची तक का था, इसलिए इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो चलिए इसे कटिंग करते हैं। इसका आकार देखिए इतना अच्छा गोला एकदम कट जा रहा है कि मत पूछिए, जबरदस्त, ये देखिए 1 सेकंड में कट गया। अगर आपके पास टूल्स रहेगा दोस्तों, हथियार रहेगा, तो आप घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं, ठीक है, बस आपके पास टूल्स ऐसा रहना चाहिए। चलिए इसी तरह से पूरा कटिंग करते हैं, फिर छोटा वाला कटिंग कर लेते हैं पूरा। Yeah.
इसको क्या करेंगे, इसको अंदर कर देंगे। चलिए दोस्तों 12 वाट का जो लाइट है उसको कटिंग करेंगे। तो इससे थोड़ा क्या रिंसी है, अगर इसके जगह में आप हाथ से ही कटिंग करें वही बेटर रहेगा। लेकिन चलिए इससे भी दिखा देते हैं। ये हमारे इस तरह से पॉइंट में रह जाएगा। देखिए ये होगा, देखिए दोस्तों ये हमारा कटिंग हो गया। इस तरह से आप सब जगह कटिंग कर सकते हैं और वायर जो हमारा इस तरह से निकल जाएगा। अब चलिए इसमें इस तरह से सभी चारों को कटिंग कर लेंगे और इसमें लाइट लगा के दिखाते हैं। देखिए ये जो 12 वाट का है, देखिए दोस्तों ये 12 वाट का है, इसमें देखिए क्लिप लगा हुआ रहता है दो ठो, यही जो है सो फॉर्सलिंग में जाके पकड़ता है इसको लाइट को पूरा। ये हमारा लग गया फिट हो गया। अब चलिए छोटा लाइट जो है इसको भी लगा देते हैं। इस तरह से आइटम आसानी से फिट हो गया। इस तरह से सभी लाइट को कटिंग करेंगे दोस्तों और फिटिंग करेंगे। इस तरह से फिटिंग किया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों प्रथम होली खेल जाना पड़ता है इसमें। इसका जो पीओपी निकलता है जिप्सम का पूरा लग जाता है इस तरह से। तो इस तरह से कटिंग करते हैं हम लोग दोस्तों और लाइट को इस तरह से फिटिंग करते हैं। आई होप कि आप लोग भी समझ में गए होंगे कि कैसे लाइट का बॉक्स बनाने के लिए कटिंग करने के लिए कैसे किया जाता है। आप इसके जगह से हाथ से भी कर सकते हैं, एक सर्कल बना के हैक्सो ब्लेड से भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।